सुकून मिला कुछ इसी तरीके से। सुकून मिला है कल किसको? कागजी जिज्जा को। वैसे जब पिटन पिटाई करने के बाद लोग पहुँचे थे मनाली, तो बोले थे कि भाई साहब, पहली बार आई मनाली, यहाँ आकर मुझे सुकून और क्लियरिटी मिला। तो जिज्जा को उस टाइम तो कुछ क्लियर हुआ नहीं। हाँ, दूसरे वीडियो में उन्होंने बताया कि बहुत कुछ क्लियरिटी मिल चुका है, कि हमने जो डिसीजन ले रखे हैं कठोर वाले, वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि मुझे पछताना पड़े। क्योंकि बीच बीच में मुझे याद आता था, कई बार मुझे वो होता था कि भाई साहब, मेरे बच्चे की माँ है, मतलब उनके कहने का ही मतलब था। कोई भी इंसान होगा तो ये सोचेगा कि कहीं मैंने कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया जल्दबाजी में। लेकिन इस प्रकार के हरकतों के बाद उन्होंने बोला कि भाई, मुझे भी क्लियरिटी मिली। और आज ना, कई दिनों बाद जिज्जा जी को सुकून भी मिल चुका है। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। और कल कागजी पति का रात में वीडियो आया। जब रात में वीडियो आया तो मैंने कहा चलो देखते हैं आखिरकार वीडियो में है क्या, क्योंकि उसमें जो टाइटल था ये मुझे अट्रैक्ट कर रहा था। हालांकि मैं सुबह देखती, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, मुझे देखना है, हैं? टाइटल था अब मिला सुकून। आए हाय, इस सुकून की तलाश में तो सारी की सारी दुनिया है। कुछ लोगों को बदला लेने से सुकून मिलता है, कुनबा वासियों को, और कुछ लोगों को गाली गलौज करवा के सुकून मिलता है, कुछ लोगों को टोंटबाजी करके सुकून मिलता है, और कुछ लोगों को हाथ साफ करके सुकून मिलता है ना। तो ये सारे सुकून कुनबा वासियों के हैं। बाकी लोगों के सुकून अलग अलग टाइप के होंगे, है ना, लेकिन कुनबा वासियों के सुकून ऐसे ही हैं कि भाई साहब, हाथ एकदम सफा चट। जो लोग ज्ञान देते हैं कि ना, जलन की भावना गलत है, ईर्ष्या करना गलत है। वैसे जिज्जी बड़कन्नी जिज्जी, आपके लिए मेरे पास एक संदेश है। इस वीडियो को मैं आगे ज़रूर प्रोसीड करूँगी, पर उससे पहले लोगों ने कहा है कि बड़कन्नी जिज्जी से ज़रा पूछिए कि जो परिसर में, बिलासपुर कोर्ट परिसर में जो घटना हुई थी, उसके ऊपर जो थोड़ा सा, मतलब इतनों सा ना, अपना आय के कुछ विचार रखें सुकून के बारे में, बदले के बारे में, है ना। फ़र्क नहीं पड़ता, ये सारी चीज़ें तो आपने बहुत बार बोली हैं। थोड़ा सा जो आपने तो भाई प्रोत्साहन किया होगा, पर आपके पति ने जो क्रियाकलाप करा है, जिस प्रकार से वहाँ पर इतनी शर्मसार घटना का अंजाम दिया है, तो वो घटनावा के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे आए कि अपना विचार व्यक्त करिए। देखिए, जनता की डिमांड है कि इन सब सारी चीज़ों के बारे में तो आप पहले भी बोल चुकी हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे मेरे बारे में कोई पॉलिटिक्स करे, मेडिटेशन से ये, मेडिटेशन से वो। तो तमाम लोग जानना चाहते हैं कि पहली बात तो आप जिज्जा जी को मेडिटेशन काहे नहीं कराती हैं, कहा कि वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे इंसान बन गए कि तनिको बात हो जाता है, एकदम उत्तेजित होके, एकदम गुस्से में आए के एक ऐसी ऐसी घटना को अंजाम दे देते हैं जो इतिहास में भी उन्होंने दोहराया था। तो कुल मिला के बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि हो सके तो दो शब्द जरा इसके बारे में बोलिए, क्योंकि जनता चाह रही है कि इस घटना के बारे में आप अपने विचार व्यक्त करें, जो अंदर आप दबाए जा रही हैं। गाइस, हम हर चीज़ वाटी पे थोड़ी डिस्कस कर सकते हैं, हैं? तो जी, ये डिस्कस करना बनता है, क्योंकि ये काफ़ी चर्चा का विषय रहा है। अब आप इस घटना को इग्नोर नहीं कर सकते हो, जिद्दी व्यूज़ भी आ जाएंगे। आपको बस ये बताना है कि परेतिन का भाई अच्छा भाई है कि नहीं, राखी बांधी थी, या फिर परेतिन का जिज्जा क्योंकि उसने उसकी दीदी से शादी करी थी, या फिर भाई साहब परेतिन का फादर फिगर, क्योंकि परेतिन ने बोला था कि वो हमारे बहुत ज़्यादा टेक केयर करते, हमारे घर के फादर फिगर हैं, या फिर भाई साहब अब परेतिन किस हिसाब से, या फिर ये लोग किस हिसाब से उस पापा कहलाते हैं अपने बच्चे को। मतलब भाई, जिज्जा के साथ तो अनेक रिश्ते जुड़े हैं, है ना। तो जिज्जा जी के बारे में कुछ विचार विमर्श करिए। चलिए, ये तो जनता का एक सूचना था, जनता ने कहा था कि भाई ये वाली बात है बड़कन्नी जिज्जी तक ज़रूर पहुँचा दीजिएगा। तो मैंने भी कहा था ओके जी, आज ही पहुँचाती हूँ। बड़कन्नी जिज्जी इस बारे में विचार कब प्रकट करेंगी, या फिर जैसे कि आपने पटना में गई अकेली लड़की वाला झूठ बोला था, लखनऊ के ताज होटल में अकेली लड़की फरफराती, हैं?
और या फिर भाई साहब जर्मनी में जिज्जा जी की नौकरी, या फिर मुंबई का आपका प्रोजेक्ट जिसमें आपका 4 किलो वजन आड़े आ गया था, वो प्रोजेक्ट आपको नहीं मिला, या फिर आपकी दुबई वाली अधूरी ट्रिप जिसमें आपके वीज़ा वीज़ा में कुछ समस्या आ गई, सरनेम की कहानी जो आप दोहराई थे, उन सारी चीज़ों की तरह ये वाली बात को भी दफन कर देंगी हैं? काश कि हालात जज्बात ख्यालात तो ऐसे लगे बड़कन्ने ने पहले ने हाथ साफ कर लिए कि ना जी ना, मेरी ज़िंदगी में घटित होने वाली कोई भी घटना को मैं यहाँ पर लेकर नहीं बताऊँगी, मैं यहाँ पर सिर्फ चूल्हा चौका बड़कन्ने जिज्जी के षड्यंत्र में पार्टिसिपेट करूँगी, कभी कभी बग्गी को टारगेट करूँगी, है ना, बस मैं यही करूँगी। खैर मुद्दे पे आते हैं। तो भाई इनके पति जब से यूट्यूब का जो मीटअप था चंडीगढ़ में, जब से गए हैं तो इनके जो गाली गलौज वाले जो भी चैनल हैं, उससे पहले उन्होंने कम्युनिटी भी डाली थी, इस पे भी हमने वार्तालाप करी थी कि ये ससुर के नाती नहीं सुधरने वाले। भाई जब इतना ज़्यादा इस मुद्दे के बारे में वार्तालाप हो गई, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इस बारे में बातें करी, है ना, और इस लेवल पे करी कि का ही बताएं, मतलब पूरा का पूरा क्रेडिट जा रहा था कुनबावासी को, खास करके हमारे छोटकरनी जीजी को, कि परेतिन की वजह से इनविटेशन मिला, परेतिन की वजह से ऐसा वैसा। तो भैया कल इनके कागजी पति आ गए, कहाँ सफाई नामा लेके। कल का सफाई नामा देख के बस मुझे यही लग रहा था, एक टाइम और था जब परेतिन ने कुछ ऐसी हरकत करी थी कि लोग दूसरों को पसंद नहीं करते लेकिन उनके कपड़े पहनते हैं, उनके चप्पलें पहनते हैं, उनके रूम में आते हैं, फलाने ढमाके, बहुत सारी बातें इसने इनडायरेक्टली अपनी ननद को बोला था कुर्ते को लेकर। और उसके बाद जो इनके सहयोगी चैनल गाली गलौज वाले हैं, उन्होंने पूरे तरीके से विस्तृत वर्णन किया था कि भाभी तो पसंद नहीं लेकिन भाभी के कपड़े पहन लेती हैं, भाभी के चप्पल पहन लेती हैं। तो भाई साहब उस बंदी ने चप्पल के बारे में हैं ऐसे चप्पल दिखाया भी था गाली गलौज वाली महिला को, याद है आपको, अंटी अंटी कही कह, याद आया दर्शकों को? वैसे वो वाला वीडियो बिल्कुल इन्हीं के स्टाइल का था, मतलब इनके लेवल का। कभी कभी लेवल दिखाने के लिए अपना लेवल थोड़ा सामने वाले लेवल तक लाना पड़ता है, क्योंकि कई बार ना कुछ सभ्य भाषा से ना सहमत नहीं होते, असहमत ही होते रहते हैं, तो कभी कभी सभ्यता का साथ छोड़ के थोड़ा सा डेमो बन जाता है। तो उस टाइम ना ये लोग जो आए थे पड़ोसी आंटी को चप्पल का नंबर दिखाने और चप्पल की पर्ची दिखाने, है ना, आज हमारी जुबान बहुत ही लड़खड़ा है, लग रहा है भाई साहब हमने रतिया में सूखा नशा करा है। ये तो था एक छोटा सा मजाक, नशा वशा हम ना ही करते हैं, हाँ नहीं तो ऐसा इतना सारा काम मुहिम नशा चढ़ जावे। तो जी हाँ, फिर भाई सूट के बारे में बात हुई थी कि भाभी का सूट पहनती है, तो बेचारी ने जहाँ से खरीदा था भाई, बग्गे और बग्गी और उसकी फैमिली जो चाह जाती है ना, वो पूरे तरीके से गाली गलौज वाले चैनल पे प्रसारण होता है और सामने वाले बंदे को मजबूरन आके जवाब देना पड़ता, क्योंकि जो जेन्युइन सब्सक्राइबर थे उनको भी लग रहा था कि भाई काहे कपड़े पहन रही हो, क्या तुम्हारे पास कपड़ों की कमी है, जाने दो नास पीटी के कपड़े को लेकर। तो भाई उसने उनके कपड़े पहने नहीं थे, उसने एक जगह से शॉपिंग करी थी और उसने चप्पल की और उसने साथ ही में कपड़े की, किस डेट में करी थी, कहाँ से शॉपिंग करी थी, कितने का मूल्य था, ये तक दिखाया था। कल वैसे कुछ हमें सीन प्रतीत हो रहा था, वैसे तो छटकनी बड़ी भोली भाली बनती हैं। मैं तो घर पे आना चाहती हूँ, मैं तो जाना चाहती हूँ, मैं तोड़ने में नहीं जोड़ने में बिलीव रखती हूँ, आप मुझे महीने का पैसा क्यों देंगे, वो तो तब देना होता जब मैं अलग रहूँ, मैं तो साथ रहने के लिए तैयार हूँ, मैं फिर से एक नई दुनिया बसाऊंगी, इस प्रकार से। तो भाई साहब कल कागजी पति ने आया, पहले तो सबसे रिक्वेस्ट करी कि भाई जल्दी से जल्दी हमारे 1 लाख कराइए ताकि हम सिल्वर प्ले बटन जो खाली दीवार में जगह है वहाँ पे टांग सकूँ, तो आप अपने पड़ोसी से रिश्तेदारों से और जिससे जिससे हो सके ना, तो आप शेयर करें और उनको बोलें कि भाई सब्सक्राइब करें। तो कल काफ़ी लोगों ने भाई इनके कमेंट सेक्शन में जाके मैंने देखा, सबने साथ दिया है, किसी ने अपने हस्बैंड को सब्सक्राइब करा दिया, किसी ने अपने पड़ोसी को भेज दिया, किसी ने अपने रिश्तेदारों को भेज दिया, तो लग रहा है जिज्जा जी का जल्द ही टारगेट पूरा हो जाएगा है। अब फिर लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे जो ये बोलते थे हमारी वजह से, हमारी वजह से। देखिए इस बात में मैं भी बिलीव करती हूँ कि कई बार आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग आ जाते हैं जो आपका थोड़ा साथ देते हैं और सबक बहुत ज़्यादा देते हैं, तो अगर जिज्जा को कुछ मिला है जिज्जी की वजह से,
तो भाई साहब सब्सक्राइबर तो जज्जी के कब कब का अनसब्सक्राइब करके चले गए हैं, गाली गलौज वालों ने इतना ज़्यादा सब प्रचार प्रसार किया है। हाँ वो कहा है कि अगर कंट्रोवर्सी है तो देखने आ जाते हैं मिर्च मसाला वाली चीज़ें, है ना। अब जो इनके पास सब्सक्राइबर रुके हैं, जो सब्सक्राइब करे हैं, वो किसी की बदौलत नहीं है, हैं। वो कितनी बार बोल भी चुका कि अगर आप किसी और की वजह से देखने आते हैं तो मुझे ना देखें, क्योंकि उसके ऊपर बार बार स्टैंप लग चुका है बीबी की वजह से। बीबी को खुद गलत फहमी थी कि लोग तो आपको मेरे पति के ही नाम से जानेंगे कि फलानी फलानी लिबर लिबर लाइफ वाली का पति है यो। वाह जी वाह, मतलब परे तिन कह रहे थे ना कि हाथी पाल लो पर गलत फहमी ना ही पालो, लेकिन तुम मानोगे थोड़े, और तुम्हारे सपोर्टर भी हैं। मेरी जिज्जी की वजह से इनविटेशन मिला, जिज्जी का वो दोस्त है, जान पहचान है, तो भाई उसी की वजह से दोस्ती हुई, इंस्टाग्राम पे फलान ढमा को इन्विटेशन मिला। अरे भैया अरे भैया, तुम्हारी जिज्जी को काहे नहीं मिला, या फिर जिज्जी इतनी बड़ी त्यागी महिला है कि मिला लेकिन वो गई नहीं। अरे चलो बस भी करो, लिमिटेड लोगों को आया था, जिनको आया था ईमेल उनको रजिस्टर भी करना था, और रजिस्टर करके फिर वहाँ पर आप गए, उसने प्रॉपर चीज़ें दिखाई कि भैया इस प्रकार से मुझे इनवाइट किया गया था, इस प्रकार से मैं गया था। तो गाली गलौज वालों, अब और कोई प्रूफ चाहिए, या फिर भाई साहब इतने से काम चल जाएगा? नहीं तो एक काम करो, तुम लोग ससुर के नाती हो हैं, लोटा लोगों, एक काम करो भैया कि तुम लोग ना गवर्नमेंट से गुहार लगाओ कि भाई हमको ना इस पे सीबीआई जांच चाहिए, हैं। वैसे तो कई बार सीबीआई भी फेल्ड हो गई, तमाम ऐसे केसेस हैं जो आज तक वैसे पड़े हैं, सीबीआई भी उसमें कुछ रिजल्ट लेके नहीं आ पाई, चाहे वो सुशांत का केस हो या फिर उससे पहले एक और केस हुआ था बहुत ही ज़्यादा चर्चित रहा था, जो अपने उस एक लड़की का जो हत्याकांड हुआ था दिल्ली में, क्या नाम था यार, अरे छोटी बच्ची थी, अब शायद 9 या 12-13 साल की, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, आरुषि हत्याकांड। हालांकि एक बार उनके माता पिता भाई जेल भी होके आए, फिर भी अनसॉल्वड है। इसी प्रकार से न जाने कितने ऐसे केसेस हैं जो सीबीआई के होते हुए भी नहीं निकल पाए, है ना, सच्चाई उनकी क्या है आज तक पता नहीं चल पाई। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जी, अब भैया हमको ये ना ही पता है ना कि अब सीबीआई भी आप जांच बिठवाएं तो उसका कुछ हल निकल के आवे या ना निकल के आवे, देख दाख लीजिए, हैं। हो सके तो अपने जो चाटुकारिता वाले लोग हैं इनकी जांच बिठा दीजिए, ये ज़रूर कुछ ना कुछ मनगढ़ंत चीज़ें निकाल के ले आएंगे। मतलब अगर रियलिटी नहीं पता चली तो भी का कुछ ना कुछ कहानी, काल्पनिक कहानी निकाल के लेके आ जाएंगे कि ये वजह थी जिसकी वजह से परेतिन से जुड़ा ये तथ्य है, परेतिन की वजह से उसको बुलाया गया। अरे कतई नहीं मानने वाले, अरे कोनो बात नहीं भाई, अब मानो या ना मानो, विगत कई दिनों में वो अब सारी चीज़ें जब से वहाँ से होके आए अलग ही जोश है। और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि भैया एडिटिंग प्लस, अगर आपको किस प्रकार की एडिटिंग चाहिए, तमाम बड़का बड़का क्रिएटर हैं, आप अगर टेक की बात करो तो इसके अलावा भी तमाम क्रिएटर हैं जो बहुत अच्छी ब्लॉगिंग करते हैं। जगह बदलिए, आप लोगों के साथ कोलैब करिए, जिनके मुंह चलने हो तो चलते रहेंगे कि फलाने लड़के के साथ गया, धमाके लड़के के साथ गया। हालांकि आपने बहुत सही कहा कि जो फीमेल और मेल होते हैं उनके वीडियोस को जल्द ही रीच मिल जाती है तो लोग उनसे कनेक्ट कर पाते हैं। एक टाइम था जब आपको भी ऐसा रीच मिला था, लेकिन परेतिन को ना मंजूर निकला, अनयूज्ड दिमाग लेके जिज्जी की बातों में आ गई। कोई बात नहीं, उम्मीद यही करते हैं कि आपके केस का कुछ अच्छे से रफा दफा हल निकले, तब आपकी लाइफ में भी कोई एक फीमेल आए, और जो कि इस बार भाई साहब थोड़ा सोच समझ के, है ना, प्यार मोहब्बत के चक्कर में इस प्रकार का कोई घटना का अंजाम नहीं दीजिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा भुगतना तो मम्मी जी को पड़ जाता है। सोचो दर्शकों, जब से ये 2-3 दिन से अपनी मम्मी के पास लेट रहे हैं तब से इनको कुछ चीज़ों का एहसास हुआ है। कई बार होता है कि हम रात में सपना देखते हैं, परेशान रहते हैं, दिन भर माइंड में तमाम तरह की चीज़ें चला करती हैं जो लाइफ में चल रही हैं, प्रॉब्लम्स, है ना, सिचुएशंस, तो उसके अकॉर्डिंग कभी कभार हम रात में सपना देख लेते हैं और फिर ना कभी कभी आवाज़ें करने लगते हैं। तो कुछ ऐसा ही मम्मी के साथ हुआ, वो एकदम से आवाज़ें निकालने लगी, तो भाई इनने जगाया और बोला कि उठो उठो क्या हो गया। तो ये सपने में ही होता है। तो मैं तो कुल मिला के यही कहूँगी कि भाई बढ़िया है, जितना टाइम हो सके एक दूसरे के साथ स्पेंड करिए, एक ही रूम में सो जाइए, पहली बात तो एसी का बिल बचेगा और दूसरी बात कि भाई दोनों माँ बेटे एक साथ रहोगे, है ना, तो ये भी सही है। ये सारी चीज़ें कर लिया है और साथ ही में उन्होंने साफ साफ जवाब दे दिया है कि
कि देखो भैया, जिसको जो लगता है जो झूठी सच्ची कहानियां बता रहे हो, हालांकि भाई साहब आपको बोलने की जरूरत नहीं थी, ये झूठी सच्ची कहानियां सिर्फ आपके जो मीटअप का इनविटेशन था उसके लिए न जाने कितने सालों से चलती आ रही हैं। हर छोटे छोटे एक्शन पे, हर मतलब कभी भी कोई माँ कोई चीज़ बोल दे, आपकी बहन का कोई घर में आना जाना हो, हर चीज़ पे ही तो झूठी कहानियाँ बनी हैं। तो आई डोंट थिंक कि इसके बारे में अब आपको सोचना चाहिए कि लोगों को सफाइयाँ देनी चाहिए, क्योंकि भाई साहब ये कतई नहीं मानेंगे। तुम अपना एकदम जिगरा चीर कर भी दिखाए दोगे हनुमान जी की तरह, तो भी ये नहीं मानेंगे कि ना तुम्हें इन्विटेशन मिलेगा। इन्होंने अपने अपने दिमागों में बिठा लिया कि हमारी जिज्जी की वजह से मिला है तो बस मिला है, उसके बाद कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता। आप कितना भी सफाइयाँ देते रहो, कितना भी बताते रहो, कितना भी लिंक ओपन करके, जीमेल ओपन करके दिखा दो, ये नास पीटे कतई नहीं मानने वाले, टुरु वाले। इनका तो बस यही एक एक सूत्री कार्यक्रम चलता है, मेरी जिज्जी से शुरू, मेरी जिज्जी पे ख़त्म, है ना। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि तमाम लोगों ने कल इनको बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है, और इन्होंने जो दिखाया है वो काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करी है। गाली गलौज वालों को भी थोड़ा जानकारी दे दी है कि देख लो नास पीटो, इतना टीका टिप्पणी करते हो, उससे पहले हमारी वीडियो देख लो, हम इस पे कितने बजे आया, किस दिन आया, किस दिन हमने इसको सब्सक्राइब करा है, किस दिन मैंने इसको आगे प्रोसीड करा है, तो हमारा कन्फर्मेशन आया है ईमेल, वो भी दिखाया। लेकिन अब टरू वाले कहाँ मानेंगे, अंधी भक्ति का पट्टी जो चढ़ा है, कोनो बात नहीं। तो हम तो कहते हैं पट्टी चढ़ने रहने दीजिए, क्योंकि पट्टी नहीं ना उतरने वाला है, बाकी अब कब तक आप प्रूफ प्रूफ दिखाते रहेंगे हैं। चलिए फिर बड़कन्नी जी, आपसे जो बोला है, बिलासपुर कोर्ट परिसर में आपके पति के द्वारा जो घटना का अंजाम दिया गया, कृपया करके उस बारे में थोड़े से विचार व्यक्त करिए। और अब ऊपर नीचे वाली कहानी शुरू हो चुकी है, मम्मी ऊपर है, हम नीचे हैं, कभी नीचे गैस साफ कर दें, कभी ऊपर सफाई करती हैं। वैसे सफाई से कल एक चीज़ स्पष्ट हुई जो कि मुझे एक सब्सक्राइबर ने ही बताई। उनका कहना था कि कुछ दिन पहले परेतिन ने डायलॉग मारे थे कि मैं तो ये काम कर लूँगी, वो काम कर लूँगी, पर आप लोग कहे तो ये बिखरा, वो बिखरा, किचन बिखरा, तो ठीक है बिखरा रहने दीजिए, क्योंकि अभी जो मेरे लिए ज़रूरी है वो मेरी बहन के लिए जो पटना से आई है उसके साथ टाइम स्पेंड करना, ना कि किचन की सफाई, घर की सफाई। रिश्तों में प्यार होना बेहद ज़रूरी है, सफाई तो होती रहेगी। तो भाई इसी तर्ज पे कल बग्गी ने, परसों बग्गी ने बोला था कि ठीक है मैं बिल्कुल भी कोई काम करने वाली नहीं हूँ, मैं बस बेडशीट साफ करूँगी। और इसके बाद सीधे सीधे मैं यही बोलना चाहूँगी कि भाई अब कुछ नहीं होगा, जो होगा बाद में होगा, अभी तो हम सब लोग बैठ के समोसा पार्टी करते हैं और इसके साथ ही साथ जाके बातचीत करते हैं, क्योंकि सफाई ज़रूरी नहीं है, रिश्तों में सफाई, प्यार मोहब्बत ज़रूरी। तो छोटकन्नी के तर्ज पे ही हुआ था, और ये जो डायलॉग मारा गया था वो बग्गी को लेकर ही मारा गया था, तो बग्गी भी अब समझ गई, और बग्गे ने भी समझा दिया गया होगा कि ठीक है तुझे पड़ी क्या है, बिल्कुल मत कर, और एक काम कर जाके खुपड़ी में बैठ। मतलब जिज्जी का मतलब ये है, पड़कन्नी का तात्पर्य कि आओ और हमारी भक्ति में लीन हो जाओ, हर टाइम जिज्जी जिज्जी करते रहो, अगल बगल जिज्जी ये चाहिए, जिज्जी वो चाहिए, और बिग बॉस जिज्जी हमेशा कुछ ना कुछ अपनी डिमांड करती रहें। तो ये एक कल्पना की गई थी झूठ की दीवानी और छोटी की तरह से कि भाई साहब ऐसा ऐसा बोलो, बग्गी को टारगेट करो, क्योंकि उस टाइम नीचे बग्गी कहती थी कि यहाँ पर हम लोग बैठते हैं वो भी गंदा हो गया है, दीवान बेड गंदा हो गया है, इसको भी लगा देते हैं क्योंकि हम लोग सारे लोग यहीं बैठते हैं। तो उन सारी चीज़ों को माइंड कर दिया गया है। और नोना जिज्जा आई थिंक ऊपर वाले ही कमरे में रहते हैं मोस्टली, जिसमें जिज्जी ने कहा था इस कमरे में कम आना जाना होता, चलो उस कमरे में भगवान जी रख देते हैं। तो उस कमरे में अब दो ही लोग रहते हैं, एक तो भगवान जी रहते हैं और दूसरे के नोना जिज्जा रहते हैं। नोना जिज्जा की इतने दिनों में सिर्फ बातें हुई हैं, हाँ ऑफ कैमरा उन्होंने बहुत बड़ा धमाल मचाया है, बहुत बड़ा बवाल मचाया, लेकिन ऑन कैमरा उनका कोई भी, अभी तक एनिवर्सरी भी हो गई नोना की, लेकिन नोना झलक तक नहीं दिखला है। वैसे तो तमाम लोग बेकरार थे कि नोना कहीं से आ जाए, थोड़ा सा दिख जाए, लेकिन नोना कहीं पर भी नहीं दिखे। तो अब नोना अब दिखने का संभावना भी नहीं, हालांकि एक संभावना बचती है। अरे संभावना सेठ नहीं, वो तो बहुत बढ़िया ब्लॉगिंग करती है, इतनी बड़ी ब्लॉगर है, इससे पहले भोजपुरी इंडस्ट्री में भी काम किया, बिग बॉस में भी आ चुकी, टीवी इंडस्ट्री में भी काम किया,
डांसर बहुत अच्छी मानी जाती। भोजपुरी में हेलन से कंपेयर किया जाता था, भोजपुरी में उसको हेलन कहा जाता था भोजपुरी को। तो भाई साहब वो लोग भी देखो ब्लॉगिंग करते हैं और तमाम बड़का बड़का यूट्यूबर हैं, तो कभी कभी हमारे बड़कन्नी जीजी उनको कॉपी करती है, ऐसा सब्सक्राइबर्स कहते हैं। तो भाई साहब मैं कुल मिला के यही कहना चाहूँगी कि अब जो शुरू होगा राजनीति पॉलिटिक्स, जो नया कंटेंट आएगा वो घर में लड़ाई झगड़ों को लेकर आएगा, चाहे वो क्रिएट करें या फिर बीच में देखिए बातें तो रहेंगी, क्योंकि अब सारे के सारे इंडिपेंडेंट हैं और सारे एक स्वच्छंद विचार के हैं। तो आपस में जब इनके विचार टकराते हैं तो सबके इनके ईगो ना भाई साहब सेटिस्फाई होते नहीं। अच्छा होगी बड़ी, अच्छा तो क्या मैं भी तो हूँ चुलबुली बग्घी, तो मैं छोटी इंडिपेंडेंट, मैंने तो मापदंड है बनाना है। तो सबके अहम टकराते हैं तब जाके भाई साहब लोग आपस में ये सारी चीज़ें करते हैं, है ना। ईगो टकराए के मुंह सुजाए के बैठ जाते हैं। छोटकन्नी बड़कन्नी में भी कई बार अनबन हो चुकी है, इसके अलावा भाई काफ़ी टाइम तक बातचीत भी नहीं हुई थी, अब बग्घी बची है तो बग्घी को बीच बीच में टारगेट करते रहेंगे। चलिए जी अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूँगी, नए हो तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लो, और अगर पसंद आया थोड़ा भी तो जाने से पहले वीडियो पर लाइक करके जाना। थैंक यू सो मच।